जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल राज मातशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं एस एस जी डी कॉन्स्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सेट नंबर है 14/2/2019 का तृतीय शिफ्ट का प्रश्न है। दोस्तों आप प्रश्न अनुरोध है, कृपया वीडियो को पूरा देखें, जो भी कमियाँ देखिए अपना कमेंट से सुझाव जरूर दें। देखिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रश्न नंबर एक क्या कर रहा है, दो ठोस गोले के आयतन का योग 1144/3 घन सेमी है, यदि उनकी त्रिज्या का योग 7 सेमी है तो उनके त्रिज्या का अंतर क्या है। एक ठोस के घन का आयतन क्या होता है, ठोस घन का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। ठीक है, ठोस घन का आयतन कितना होगा, 4/3 πr³। कर दोनों का त्रिज्या क्या होगा, माने एक को मानते r1 तो दूसरा का कितना होगा r2, इसका एक कितना है 7 सेंटीमीटर। दोनों का त्रिज्या का योग कितना है 7 सेंटीमीटर। देखिए 4/3 दोनों का आयतन तो समान होगा, सॉरी आयतन जो फॉर्मूला हो तो मेरा समान रहेगा, तो 4/3 πr1³ + 4/3 πr²³ बराबर किसके बराबर है, 1144/3 किसके बराबर है, 1144/3। और यहाँ से पाई 4/3 πr हम कॉमन ले लेते हैं, 4/3 πr कॉमन ले लिए, तो बचा कितना r₁³ + r₂³ बराबर 1144/3। हम यहाँ पाई का मान बैठाते हैं 4/3 पाई का मान कितना होता है 22/7। अब यहाँ कितना है r₁³ + r₂³ किसके बराबर है, 1144/3। 3 से 3 कट गया, कटते हैं 22 11 से 11 22 11 0 4 11 का 0 4, फिर कटते हैं 4 से 4 दुनिया 8 2 6 24, फिर 2 से कटे 13 13। r₁³ + r₂³ बराबर कितना गया, 13 × 7 यानी कितना 93 91 आ गया। अब इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि उसे क्यू करना पड़े 91 आए, और देखिए और यहाँ 5 रखते हैं तो 125 आएगा, एक का मना 5 रखते हैं तो इसका 5 का क्यू कितना होगा 125, इससे बहुत अधिक है। हम इसका मान 4 रखते हैं तो 4 का क्यू कितना होगा 64, 4 का क्यू कितना होगा 64 प्लस जब दोनों का योग होगा 7 तो दूसरा कितना होगा 3। एक का मान 4 रखे हैं तो दूसरा का मान कितना होगा, दोनों का योग होगा 7 है r₁ और r₂ का, तो एक का मान 4 हम रख अपना मन से रखे हैं तो दूसरा कितना होगा 3, तो 3 का क्यू कितना होता है, 3 का क्यू 27। यहाँ देखते हैं जोड़ने पर आता है क्या, जोड़ने पर 4 × 3 7 4 11 हासिल बसा 1 6 2 8 1 9 91 आ रहा। तो पूछ रहा का अब r₁ और r₂ का मान आ गया, r₁ का अगर 4 मानते हैं तो r₂ कितना होगा, r₂ मेरा 3 होगा, ये r₂ मेरा 4 मानी तो r₁ 3 होगा, इसमें कोई क्लियर नहीं है। अब कह रहे दोनों का अंतर कितना होगा, तो 4 में से 4 3 का अंतर कितना है 1, मानी 1 सेंटीमीटर कितना है 1 सेंटीमीटर। दोनों का योग कितना है 7 सेंटीमीटर और दोनों का अंतर कितना है 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं प्रश्न दो क्या कर रहा, रोहित मोहित तथा सुमित अकेले अकेले एक कार्य को क्रमशः 8 दिन 14 दिन तथा 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, वह तीनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ तो कितना आदमी 3 है, मोहित रोहित और सुमित, आदमी के 3 है, रोहित मोहित सुमित रोहित है
रोहित मोहित मोहित और सुमित, आदमी कितना है? तीन आदमी है, सुमित रोहित कर रहा 8 दिन में, रोहित 8 दिन में, मोहित 14 दिन में, 21 दिन में, 8 दिन में कर रहा मोहित, रोहित 8 दिन में कर रहा, तब मोहित कितने दिन काम समाप्त कर रहा? 14 दिन में, सुमित 21 दिनों में। ये मेरा दिन की संख्या है, ये मेरा दिन की संख्या है। हम टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए इसका एलसीएम लेंगे तो मेरा क्षमता आ जाएगा, क्षमता आएगा, ठीक है। और टोटल काम हम दिन से भगा देंगे तो मेरा क्षमता आएगा। 8, 14, 21 का रेशियो एलसीएम कितना होगा? 8, 14 और 21 का एलसीएम 2, 4, 7, 21 सात से ज़्यादा है, 4, 1, 3 मेरा एलसीएम कितना का? गुना भी कर सकते हैं तो 7 को 28, 7 को 28 गुना 6, 8, 6 का 48, 4, 6 दिन 12, 4 18, 12, 4, 16, 168 एलसीएम कितना का? 168, 168 का 8 से भगा देते हैं तो देखिए भाग तो 7, 21 बचा कितना? 21, 14 से भगा देते 7, 2, 14 बचा कितना? 34, 12 21 से भगा देते तो 7, 21 तो बचा कितना? 4, 2, 8 तीनों का क्षमता में रह गया। तीनों का जब क्षमता आ गया, अब कह रहा है तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तीनों मिलकर रोहित मोहित और सुमित तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? टोटल मेरे पास काम है 168 काम है, टोटल मेरे पास काम कितना है? 168। हाँ, तीनों को मिला के काम करवाना है तो तीनों को हम जोड़ते हैं कितना क्षमता कितना है? रोहित की क्षमता है 1 दिन में 21 काम करता है, मोहित है जो 12 काम करता है, सुमित जो 8 काम करता है, तो टोटल काम करवाना कितना है? मेरे पास टोटल काम है 168 काम है और तीनों का हम तीनों के साथ मिला दिए तो मेरा काम कितना दिन समाप्त होगा? तो तीनों का क्षमता जोड़ेंगे 18, 12, 8, 20, 21, 41 टोटल क्षमता से भागा देंगे तो मेरा संख्या निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर पूरा पूरा कटेगा नहीं, 8, 8, 16 4 अपने इसे 4 से भागा तो 4, 4, 16 4, 4 बटा 41 4 पूर्णांक 4 बटा 41 ऑप्शन कितना है? 168 बटा 41 ऑप्शन दिया है, 168 बटा 41 ऑप्शन नंबर ये। अब तो प्रश्न में एक प्रश्न दिया है 3 नंबर, इसको हल करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन को हल कर दें, पहले भाग के लिए तो जो भाग में जानते हैं हम लोग कि जो नीचे नीचे कटता है ऊपर ऊपर कटेगा तिरछा तिरछी गुना होगा, ठीक है। तो नीचे कटेगा करना है 2 से कटा 4 है दो बार में, यानी अब ये पलट गुना हो जाएगा 1/1 × 2/1 या इसे सीधे दो ले सकता है, यह मेरा कितना हल करना पाया? 2। अब ये मेरा देखिए जब गुना में तो ऊपर से कटेगा तो 2 कितना है? 2 माइनस इसको हल करना हो 2 माइनस 2/3 और पूरा को हल किया तो 3 6 6 में से 2 गया 4 4/3 ये मेरा पूरा टोटल कितना आ गया? पूरा हल किए तो 4/3 अब बचा क्यों ए तो अब भागा भागा के लिए तो पहले भाग वाला करेंगे नीचे नीचे 3 3 कैंसिल होगा 2 से कटा 4 बार में 4 2 बार में तो कितना है? 1/2 + 1/2 1/2 जोड़ा था कितना है? एलसीएम आएगा 2 1 + 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 2/2 यानी कितना है? 1 1 आया तो कितना है इधर? 4/3 × 1 तो कितना आएगा टोटल? का मतलब क्या होता है गुना? तो 4/3 कितना है? 4/3 ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 नंबर, प्रश्न 4 क्या कह रहा है? प्रबंधक का औसत वेतन x है तथा श्रमिकों का औसत वेतन y है,
प्रबंधकों की संख्या श्रमिकों की संख्या का 15 गुना है। प्रबंधकों तथा श्रमिकों की मिलाकर दोनों का औसत वेतन क्या है? यहाँ प्रबंधक है और श्रमिक है। प्रबंधक पी मानी प्रबंधक पी है तो इसका औसत वेतन कितना है? एक्स है। श्रमिक एक को एक्स लेते हैं तो कितना है? इसका औसत वेतन कितना है? वाई। और प्रश्न कर रहा है प्रबंधक की संख्या है श्रमिक से 15 गुना, 15 गुना है, यानी ये एक है कितना होगा? 15। ये हम टोटल संख्या निकाले क्या करेंगे? औसत कितना है? एक्स। उस पूरे संख्या से गुना करेंगे संख्या कितना है? 15। अब यहाँ इसका पूरा योग कितना जाएगा? वाई गुने एक। अब कह रहेगा टोटल सभी संख्याओं का औसत क्या होता है? सभी संख्याओं का योग को जोड़ेंगे तो 15x प्लस वाई बटा टोटल संख्या कितना है? 15 का ये है प्रबंधक है और एक श्रमिक है, यानी टोटल संख्या कितना है? 16। टोटल कितना का? 15x प्लस वाई बटा 16। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न दिया है, इसमें पहले कष्ट को हल करते हैं। देखिए 3/7 भागा 15/14, 3/7 हम भागा की जाए तो पलट गुना कर सकते हैं, 14/15 तो 7 × 14 5 यानी कितना का? 2/5। क्या क्रिया पहले कर उसके बाद करेंगे तो, और अब क्वेश्चन है तो पहले क्या क्या की क्रिया पहले करेंगे तो कितना है? गुने 45 तो 9×5 45 है, यानी कि ये मेरा टोटल हल करने पर कितना आया? 18। 9×18 ये मेरा 18 आ गया। बचा कौन? इसको कष्ट को हल करते हैं। भाग के लिए 13/2 भाग के लिए तो पलट की गुना कर देंगे 1/3, यानी कि मेरा कितना आ गया? 13/6। 13/6 माइनस 4 इसको अब गुना करते हैं तो एलसीएम लेंगे तो 1 आएगा, तो एलसीएम कितना आएगा? 6। बटन में एक है तो एलसीएम 6 आएगा, तो 6×24 में से अगर 13 घटाते हैं तो माइनस का 11/6। 24 में से 13 घटाएंगे तो प्लस जो माइनस का चिन्ह है वो बड़ा है तो 11/ देखिए, और 13 है माइनस 24 6×24/6 तो ये तो घटेगा नहीं तो माइनस है तो माइनस होना तो घटेगा तो 3/4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 तो चिन्ह है जो बड़ा मान है उसी का चिन्ह आएगा तो माइनस है माइनस 11/6 कितना है? माइनस का 11/6। देखिए जो इस तरह माइनस है कोष्ठ में माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक क्या हो गया मेरा? प्लस है तो 18 इसको हल किया तो मेरा 18 आया प्लस 11/6 बचा कितना? ये इस तरफ 2 है तो 2 प्लस 2 और 18 × 2 = 20 कितना है? 20। और यहाँ 20 + 11/6 यहाँ और इसका बटा में एक होता है तो इसका एलसीएम लिए कितना है? 6 × 6 = 120 + 11/6 तब टोटल जोड़न कितना आएगा? 131 टोटल जोड़ने पर कितना आया? 131/6 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न 6 क्या कर रहा है? पी क्यू तथा आर ए के व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 14,000 रुपये, 18,000 रुपये तथा 24,000 रुपये निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 25,880 रुपये है तो पी क्यू के हिस्सों का अंतर मध्य अंतर क्या है? देखिए, अगर कोई भी बिजनेस हम करते हैं जिस तरह से हम पूंजी ले आएंगे लाभ उसी तरह से मिलेगा। अरे यहाँ एक साल में लाभ बो रहा है, एक साल में लाभ बो रहा है, समय का अंतर कुछ नहीं दिया कि समय कितना है। तो यानी सभी को मान लेते सभी टोटल एक साल के लिए पूंजी लगा है। आदमी कितना? पी है, क्यू है और आर है। आदमी कितना? 3 आदमी है, पी क्यू और आर दोनों ने पूंजी, तीनों ने पूंजी लगाया है 14,000।
ने लगाया 14,000 रुपये, क्यू ने लगाया है, क्यू लगाया 18,000 रुपये, और आर लगाया 24,000 रुपये, 24,000 रुपये। तो इसका हम टोटल में लाभ कितना हो रहा है, 25,480 रुपये। लाभ कितना हो रहा, 25,480 रुपये टोटल लाभ। एक साल का एक काम शुरू किया पी क्यू और आर मिलकर, पी ने पूंजी लगाया 14,000 रुपये, क्यू पूंजी लगाया 18,000 रुपये, और आर पूंजी लगाया है 24,000 रुपये। और इसमें जब भी लाभ मिलेगा तो जो जितने ज़्यादा पूंजी रहे उसको अधिक मिलेगा, और ऐसा रहता कि सभी को बराबर मिलता तो जो पी है मुनाफा में रहता। जिस रेशियो में पूंजी लगाएगा लाभ उसी रेशियो में मिलेगा, ठीक है, जिस रेशियो में पूंजी लगाएगा लाभ उसी में थी मिलेगा। अब समय के ऊपर डिपेंड करता है, समय कितना है, कम पूंजी है ज़्यादा समय के लिए लगा रहा था इसका अधिक हो सकता है। अब सभी लिए देखिए, अगर इसका रेशियो निकलते हैं, रेशियो सभी एक साल के लिए, एक साल मान लीजिए एक से गुना कर दिए, गुना कीजिए या ना कीजिए, समय समय है तो कोई बात फर्क नहीं पड़ेगा। सभी का हम रेशियो ले लिए, रेशियो ले लिए तो 3-0 से 3-0 कैंसिल, सभी में 3-0 है, 3-0 से कैंसिल हो गया। 2 से कटा 7 14, 9 18, 12 24, तीनों का मेरा पूंजी का रेशियो निकल गया। पूंजी का रेशियो 7 9 12, किस रेशियो में पूंजी लगा है, 7 9 12। टोटल जिस रेशियो में हम पूंजी लगाए हैं लाभ उसी रेशियो में मिलेगा, जिस रेशियो में हम पूंजी लगाए हैं लाभ को उसी रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। तो तीनों का देखिए, तीनों का योग करते हैं कितना आएगा, 12 12 9 21 21 21 27 28, टोटल 28 रेशियो में, 28 28 रेशियो का मान कितना है, 25,480। टोटल लाभ कितना है, 25,480, रेशियो में मेरा मान कितना है, 28। अब कह रहा का पी और क्यू का अंतर क्या है, तो इसका पहले एक का मान निकल दिए उसके बाद अंतर निकालिए, या यहाँ पहले पहले ही अंतर लेते हैं। अंतर रेशियो में अंतर कितना है, 2, इस 7 है या 9 है, तो अंतर कितना है, 2। जिसका मान दिया वो बटन में आएगा, किसका 28 का मान दिया, 28 का बटन में आएगा, तो टोटल राशि कितना है, 25,480 रुपये है। तो किसका मान है, 28 का मान, तो 28 बटन में आएगा। पूछ रहा है किसका, दोनों का अंतर, पी और क्यू का दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो इस 7 रेशियो में पूंजी लगाई, 9 रेशियो में पूंजी लगा है, तो दोनों का अंतर कितना है, 2। यानी अंतर किसका पूछ रहा, 2 का, तो 2 का से गुना कर देंगे, 2 से काटें 14 28, 7 2 से काटते हैं 12 24, 7 14 4 8 0 7, 7 से काटें 7 का 7 बचा, 7 5 12 5, 7 8 56 बचा 1, 7 14, यानी कितना बचा, 1820 रुपया। दोनों का अंतर कितना आएगा, 1820 रुपये। पी और क्यू का जो लाभ है किस, उसका अंतर कितना है, 1820 रुपये, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न 7 क्या कह रहा, एक डाटा दिया उसमें, उसका बहुलक पूछ रहा है, दिए गए डाटा का बहुलक क्या है। डाटा में क्या है, 3 0, कितना, 3 0 1 0 2 1 2 0 1 2 1 1 1 3 2। बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है जो भी डाटा दिया है उसमें सबसे अधिक बार कौन लिखा गया है उसी को, वही बहुलक होता है, बहुलक होता है। ये मेरा डाटा दिया हुआ है और इसमें हमको देखना क्या है, सबसे ज़्यादा बार कौन लिखा गया है, और तीन को हम देखते हैं, तीन को कितना बार लिखा गया है, तीन को हम देखते हैं तो तीन कितना बार लिखा गया है, 1 2 2 बार लिखा गया है। और जीरो को देखते हैं, जीरो कितना बार लिखा गया, 1 2 3 3 बार। यहाँ संख्या हम लिख रहे हैं, संख्या कितना लिखा गया है, ठीक है। और एक को देखते हैं, एक के मेरा कितना बार लिखा गया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिखा गया। एक को के बार लिखा है हम, 6 बार। दो को के बार लिखा है,
एक दो तीन चार, चार बार दो के कई बार लिखा है, चार बार टोटल में संख्या का कितना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, पंद्रह संख्या यहाँ जोड़ते हैं, दस और पाँच पंद्रह टोटल में देखिए। अब यहाँ देखना है पहले, यह तो पहले यही मालूम चल जाएगा, यहाँ तो समझाने के लिए लिखे हैं। यहाँ देखिए तीन के बार आ रहा है, दो बार, सबसे जो भी संख्या दिए है हमको देखना है कि वो अंक कौन सबसे ज़्यादा बार लिख रहा है। तो देखिए दो तो तीन तो दो बार लिखे हैं हम, जीरो को तीन बार लिखे हैं, एक को छः बार लिखे हैं और दो को चार बार लिखे हैं। सबसे ज़्यादा बार हमको लिखे हैं, सबसे ज़्यादा बार हम छः बार किसको लिखे हैं, सबसे ज़्यादा छः है, दो तीन चार छः चार, इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, छः है, तो छः कौन सा अंक लिखे हैं, एक, यानी जो मैं बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या होगा, एक, बहुलक मेरा क्या है, एक। जो भी डाटा दिया है उसमें सबसे अधिक बार कौन लिख रहा है संख्या, किस संख्या को सबसे अधिक बार लिख रहा है, वही मेरा बहुलक होता है, ठीक है। और मैथ पूछेगा तो सभी संख्याओं जोड़ कर जितनी संख्या है उसे भाग दे देंगे, ठीक है। अब माध्यिक क्या पूछेगा तो उसका श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, पहले बढ़ते क्रम घटाएंगे, बढ़ते क्रम सजाएंगे या घटते क्रम सजाएंगे, जो बीच वाला संख्या होता है वही बहुलक अथी माध्यिका होता है, माध हो सभी संख्याओं का माध या अथी माध कहिए या औसत कहिए, दोनों समान होता है, दोनों का सभी संख्याओं जोड़ कर जितना संख्या उसे भगा दीजिए, मेरा माध निकल जाएगा। बहुलक क्या होता है, सभी संख्या में कौन सबसे ज़्यादा बार लिखा जा रहा है, जो संख्या जो मेरा डाटा दिया है उसमें कौन शब्द को सबसे ज़्यादा बार लिखा गया है, तो इसमें एक को छः बार मेरा सबसे ज़्यादा बार किसको लिखा गया, एक को, ये मेरा बहुलक हो जाएगा। और माध्यिका पूछता तो इसको पहले शरीर का अथी में बढ़ते क्रम सजाता या घटते क्रम सजाता, और दोनों को सबसे बीच वाला संख्या जो मेरा होता वही मेरा बहुलक होता है, सॉरी माध्यिका होता है। और माध सभी संख्या का योग करते, सभी संख्या जोड़ते, उसके बाद जितना संख्या उसे भाग करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।